हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो आज है 17 फरवरी और आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी के सभी करंट अफेयर जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जिसने हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से पुणे, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुंबई से पुणे पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। इस बस सेवा को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बस प्रत्येक 2 दिन में मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ CCI की जांच पर किसने रोक लगा दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक हाई कोर्ट, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेजन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनियों के पक्ष में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। और बात करें CCI की यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल वनडे में 50+ स्कोर बनाए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने इंटरनेशनल वनडे में 50+ स्कोर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत के मामले में इयान चौपल को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 18 इंटरनेशनल वनडे मैचों के करियर में 16 पारियों में 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला पहला दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कौन बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्विंटन डिकॉक, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट टीम के क्विंटन डिकॉक हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 17 गेंदों पर अर्धशतक बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलवामा हमले में शहीद CRPF जवानों की स्मृति में स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी 2020 को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विस के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में भारत सरकार ने 14 फरवरी 2020 को पुलवामा के लेथपोरा कैंप में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया जिसमें सभी 40 वीर सैनिकों की फ़ोटोज़ रखी गई और सभी सैनिकों के नाम भी लिखे गए। और बात करें CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह ने IPL में 2020 के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार वे IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान ही अपने करियर को लेकर आधिकारिक घोषणा करेंगे। और बात करें IPL की यानी इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इसका पहला मैच 2008 को खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा देश मिलन 2020 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में मिलन 2020 नौसेना अभ्यास का आयोजन शुरू करने जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें विभिन्न देशों की नौसेना हिस्सा लेंगी जिसमें दुनिया भर के युद्धपोत तथा वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हैं। इस अभ्यास के लिए 41 देशों को आमंत्रित किया गया है। और बात करें भारतीय नौसेना की तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 को और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 फरवरी 2020 में भारत ने जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यह आयोजन 14 से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी यह आयोजित हो चुका है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। और बात करें जर्मनी की तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सावेंद्र सिल्वा को युद्ध अपराधों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सावेंद्र सिल्वा पर युद्ध अपराधों के लिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के सावेंद्र सिल्वा पर यात्रा आर्थिक मामलों समेत कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। और बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धन पुरे कोटे और श्रीलंका के पीएम है महिंद्र राजपक्ष और राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्ष और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन अप्रैल 2020 में किया जाएगा। इस समिट का मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर को जम्मू कश्मीर में आकर्षित करना है। भारत सरकार इसके लिए भी पहल कर रही है। भारत सरकार ने बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 30,757 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और जो भारत की वित्त मंत्री हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर वो है निर्मला सीतारमण, जिनके द्वारा 2020-21 का बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र को लेकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्री हवाई और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुर्तगाल की यात्रा के दौरान पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा से मुलाकात करते हुए दोनों देशों के राष्ट्रपति ने इन 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और बात करें पुर्तगाल की तो पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन और पीएम है एंटोनियो कोस्टा और राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सूजा और वहाँ की मुद्रा है यानी जो पुर्तगाल की मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट भावना जाट ने कितने किलोमीटर पैदल रेस वर्ग में अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय एथलीट भावना जाट ने 20 किलोमीटर पैदल रेस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओलंपिक कोटा पक्का कर लिया है। उन्होंने यह रेस
1:29:54 में पूरी करते हुए अपना 1:38:30 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2 एम्स और 9 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2 एम्स और 9 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर को हाल ही में यानी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IISS की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4%, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने वैश्विक रक्षा व्यय में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में 4% की वृद्धि हुई है। और बात करें IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में और इसके चीफ और डायरेक्टर जनरल हैं जॉन चीपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ग्रहण करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 फरवरी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उनके साथ पूरी कैबिनेट भी शपथ और उनके साथ पूरी कैबिनेट ने भी शपथ ली है। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो मैंने अभी बताया मुख्यमंत्री चुने गए हैं अरविंद केजरीवाल और वहां के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे खजुराहो का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, VD मिश्रा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। VD शर्मा को भाजपा ने खजुराहो से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, ये राकेश सिंह की जगह लेंगे। VD शर्मा लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, साथ ही वे भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। और बात करें ABVP की यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में और ABVP के जो संस्थापक हैं वो हैं बलराज मधोक और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सुब्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन चैंपियंस लीग में खेलने पर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाने पर यूरोपीय चैंपियंस लीग में खेलने पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही मैनचेस्टर सिटी पर 232 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन मैनचेस्टर इस साल UEFA में अपना सफ़र जारी रखेगा। और बात करें UEFA की यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजीव बंसल,
यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब उन्हें एयर इंडिया में चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव बंसल की बात करें तो ये 1988 के नागालैंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तो टोटल 18 क्वेश्चन थे गाइस, तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। हाल ही में कहां पर पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ CCI की जांच पर किसने रोक लगा दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल वनडे में 50+ स्कोर बनाए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला पहला दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कौन बन गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्विंटन डीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलवामा हमले में शहीद CRPF जवानों की स्मृति में स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी 2020 को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मिलन 2020 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सावेंद्र सिल्वा पर युद्ध अपराधों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र को लेकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट भावना जाट ने कितने किलोमीटर पैदल रेस वर्ग में अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2 एम्स और 9 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IISS की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ लेंगे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 फरवरी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे खजुराहो का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, VD शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन चैंपियंस लीग में खेलने पर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव बंसल, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो हे गाइस, टोटल 18 क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।